सो गाइस आई होप कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सब लोग अपने घर में होंगे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जो लोग बाहर निकल भी रहे होंगे वो हमारी तरह या तो कुछ बहुत जरूरी किसी मदद के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर कोई इमरजेंसी सर्विसेज का पार्ट है तभी वो लोग बाहर निकल रहे हैं। गाइस मैं आपको भी फिलहाल अपडेट देता हूं कि फिलहाल हमारे देश में हालत क्या है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। अरे पहले आप शक्ल तो देख लो। सो या आई एम नॉट श्योर कि अभी कितने केसेस हमारे देश में हुए बिकॉज हम लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिला है कि हम लोग ठीक से न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ वगैरह देख लें। बट गाइस ऑन रोड के सिचुएशन में आपको बताता हूँ, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल स्पेशली लेबरर्स या फिर जो डेली वेज वर्कर्स थे, इतने सारे लोग हैं जिनको कि डेली उनका खाना नहीं मिल पा रहा है, सरकार भी उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन वो भी काफ़ी हद तक कम है। एज यू वोंट बिलीव कि हमारी टीम कल एक जगह गई थी, वहां पर हम लोगों ने देखा थे वो मोर देन 30 पीपल हंग्री सिंस पास टू डेज। वहां पे इतने छोटे बच्चे और बच्चियाँ थी ना कि यार आप उनको देख करना, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको थोड़ा भी तरस नहीं है। आप सिर्फ मेरे ख्याल से घर में बैठे हैं इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है कि बाहर कितने लोग भूखे सो रहे हैं। सो इसलिए अगर हम लोग सिर्फ इतना भी अगर कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में जाके घूमें फिरें दौड़ें ये चीज़ देखने के लिए, लेकिन अगर आपको पता है, आपने कभी आते जाते कभी ध्यान करा होगा कि आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी या फिर कोई ऐसी बस्ती या फिर कोई जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वो ऐसी जगह थी, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि वहाँ पर जाके एक बार देख लें अगर कोई भूखा है, प्लीज़ उसको आप खाना प्रोवाइड कराएं। बिकॉज कितना भी हम लोग एफर्ट लगा लें इट इज़ इम्पॉसिबल कि यार हम लोग सब तक पहुँच पाएँ या फिर सब तक हमारी हेल्प जो है वो पहुँच पाए। आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट द पुलिस। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार पुलिस जो है दे आर नॉट हेल्पफुल। ट्रस्ट मी गाइज, आपको मैं चेक करूंगा, शायद मैंने उनकी एक फ़ोटो क्लिक करी थी, मैं आपके सामने यहाँ पे फोटो ऐड करूंगा। दैट जेंटलमैन, आपको पता है वो बाइक में 10 किलोमीटर इतनी मूसलाधार बारिश में वो 10 किलोमीटर वो रेनकोट जो होता है जो बाइक के ऊपर पहनते हैं उसे पहनकर आए थे जस्ट टू हेल्प अस आउट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता थी कि कहाँ पर जाना है। वो बारिश में भीगते हुए आए, उनके पूरे शूज़ वगैरह सब भीज गए। उसके बाद वो हमें एक लोकेशन पर लेके गए जहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 50 लोग थे जिनके पास खाना नहीं था। सो पुलिस आर रियली हेल्पफुल। ऐसा नहीं यार आपको जो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि भाई पुलिस जो सिर्फ डंडे ही मार रही है, ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो हेल्प भी कर रहे हैं, हमारी तो यार बहुत हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर लोकली क्या है कि हम लोगों ने जैसे हमारा जो फ़ोन नंबर है, मेरे डैड जो है उन्होंने अपना फ़ोन नंबर जो 100 का जो हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ से जब कॉल आती है देन वी आस्क द लोकल पुलिस स्टेशन। जैसे कोई अगर एरिया एक्स है वहाँ से अगर कोई बंदा 100 नंबर डायल कर रहा है और बता रहा है कि उस एरिया एक्स में है और वहाँ पर उसके पास फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम हमारा फ़ोन नंबर उनको देते हैं मेरे डैड का, उनके पास फ़ोन आता है, देन माई डैड ही स्पीक्स टू द लोकल पुलिस स्टेशन ऑफ दैट एरिया एक्स। हम लोग उनसे बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप एक बार जाके कन्फर्मेशन दे दीजिए कि कितने लोग होंगे, किस तरीके से मैनेज हो पाएगा, बिकॉज़ यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे हम लोग जाएँ वहाँ पे डिस्टेंस भी मेंटेन हो पाए, बिकॉज़ अगर वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है देन इट एक्चुअली डिफीट्स द पर्पज़, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पुलिस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, वो लोग भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए यार सिर्फ ये नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो आपको आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं कि सब लठ बजा रहे हैं पता नहीं क्या क्या, ऐसा नहीं यार, देर आर लॉट्स ऑफ पुलिसमैन हु आर रियली रियली वेरी हेल्प। एंड थैंकफुली गाइस हम लोगों ने स्टार्ट करा था, इनिशियली हम लोग सिर्फ 3-4 लोग ही थे, मेरे डैड से शुरुआत हुई थी, उन्होंने कहा था कि दैट ही वुड लाइक टू एक्सटेंड हिज हेल्प, उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ा, उसके बाद देखते देखते अब नाउ देर आर एटलीस्ट 10-12 पीपल आउट हियर। और हम लोग जैसे फिलहाल इनिशियली हम लोग पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही शाम के टाइम बाहर निकल के लोगों की हेल्प कर पा रहे थे, लेकिन फिलहाल इतना कि हम लोग सुबह भी दोपहर भी शाम भी तीनों टाइम का खाना हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ, इस फिलहाल मैं हूँ एक जगह है यहाँ पर देहरादून में रायपुर, उसका एक थाना है, आई एम नॉट श्योर कि दिखेगा। सो हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए बिकॉज यहाँ का जो ये थाना है इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई लोकेशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके वहाँ से कॉल आ रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब है और वहाँ तक खाना नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आइए, हम आपके साथ चलेंगे और आपकी हेल्प करवाएंगे। सो हम लोग यहाँ पर इसलिए भी आए, डैड अभी अंदर गए, वो उनसे बात कर रहे हैं कि कहाँ पर जाना है और हमें यहाँ से पास इशू होगा। इसके बाद जो हमारा फूड वाला गाड़ी है वो अच्छा ये रहा, थोड़ा सा दूर है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें वो भी दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं आपको आज दिखाऊँगा कि हम लोग किस तरीके से जाते हैं और वहाँ पे किस तरीके से लोगों को सर्व करते हैं। गाइज अगर आपको इससे थोड़ा भी अगर इंस्पिरेशन मिले ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइट अगर आप थोड़ी भी हेल्प नहीं करोगे, तो इसलिए जितना भी आपके आस पड़ोस में अगर हेल्प हो पाए तो उनको हेल्प करो, वो नहीं हो पा रहा तो कम से कम जो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है आप वहाँ पर जाके हेल्प कर सकते हो।
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसी रिमोट जगह जहां पर लोग भी नहीं, जहां किसी से रास्ता पूछ पाए। और यहां पे जो पुलिस चौकी है वो एक शॉप के अंदर है, तो हम लोग इसी रोड से भी आए थे तो हमें दिखाई नहीं दी बिकॉज वो शॉप के अंदर है पुलिस चौकी। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बंदा ही नहीं से आप रास्ता पूछ सको। तो गाइस बहुत देर भ्रमण करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस चौकी पे हमें आना था। आपको बताता हूँ हुआ क्या कि बहुत देर से ये पुलिस वाले हमें ही बोल रहे थे आप कहाँ, हम इन्हें बोल रहे थे कि आप कहाँ हो, क्योंकि हम इसी रोड से कई बार अप एंड डाउन हो चुके हैं, हमें पता नहीं चला कि पुलिस चौकी थी। आपको बताता हूँ क्यों। पुलिस चौकी जो है यहाँ पर जो सीमेंट की दुकानें होती हैं उस सीमेंट की दुकान के अंदर है खुली हुई। आप सोचो कि कितना रिमोट एरिया है कि यहाँ पर पुलिस चौकी का भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं कि वो जो ACC सीमेंट नहीं लिखा होता बहुत जगह हमारे यहाँ दुकानों में, उस तरीके की दुकान है और वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन है। मतलब बाहर से देख के आप कह नहीं सकते कि ये कोई पुलिस चौकी है। दोनों पूरी कर देना, उसमें सब्जी कर देना कंबल में। रायपुर थाने मिलो, रायपुर थाने आ रहे हैं हम। थोड़ा पीछे हटके, पीछे हटके भाई, तुम बार बार कह रहे हो, दूरी बना के रखो। थोड़ा पीछे हटो और रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बंद कर दो बिल्कुल। तो पीछे सब पीछे हटो, सब पीछे हटो, बंद कर दो बिल्कुल, सब पीछे हटो, बंद कर दो बिल्कुल, पीछे हटो, बंद कर दो। काफी जगह हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस घर। कुछ जगह में रिकॉर्ड कर पाया, कुछ जगह में रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई किया डैड थोड़ा सा दूर रहे और मैं थोड़ा सा आगे रहूँ व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल, बिकॉज आई डोंट रियली वांट कि यार थोड़ा सा एज फैक्टर है उनका, तो कहीं ऐसा कुछ अगर रिस्क फैक्टर भी है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं आगे रहूँ। गाइस फिलहाल जो आज की सिचुएशन है, देर आर पीपल हु आर हेल्पिंग अस आउट एज वेल। सो आज की डेट में एटलीस्ट एक दिन में 3 से 4 बार वी आर ट्राइंग टू सर्व पीपल आउट देयर। इस एफर्ट के जो असली तारीफ के हकदार हैं वो मेरे डैड हैं। इनसे आप मेरे ख्याल से ब्लॉग में एक बार जब आपने मुलाकात की थी आपको बहुत अच्छा लगा था इनका सारा का सारा, जो इन्होंने होस्ट करा था हमारा 6 पैक टमी का शो, ये वही है। फिलहाल मास्क में शायद थोड़ा सा पहचान में नहीं आ रहे होंगे। पापा एक बार हाथ हिला दो, हाई कर दो। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट दी एफर्ट्स दैट यू कैन पुट इन। जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश कीजिए दूसरों की हेल्प करने की। मैंने अपने डैड से सीखा है, आप भी हमसे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। जो भी आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपसे हो पाए, जितना आपसे हो पाए। गाइस दिस वॉज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चेस।